हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए टेम टू का फर्स्ट चैप्टर, वो है इंटीग्रल्स। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इंटीग्रल्स क्या होते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगवाएंगे हम आपके साथ। तो देखिए, जो सबसे पहले दोस्तों कि इंटीग्रल्स यानी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल्स का मतलब होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते थे, उसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो और हमसे पूछा जाए कि इसका ये फंक्शन क्या होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो और पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या होगा, तब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो जब हमसे फंक्शन पूछा जाए तो हमें बताना है कि उसका इंटीग्रेशन बताना है, इसीलिए हम इसे रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, आपको मीनिंग नहीं मालूम होगी शायद, मुझे लगता है। तो देखिए, सबसे पहला इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा जाए इंटीग्रेट तो आप क्या बोलोगे कि इंटीग्रेट क्या होता है। इंटीग्रेट होता है फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करने को बोलते हैं हम क्या, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं, इंटीग्रेट तो बोलते हैं फाइंड द इंटीग्रल, बात समझ में आ रही है, इंटीग्रेट बोलते हैं फाइंड द इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। जब हम किसी भी इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेट बोलते हैं टू फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल को फाइंड करने को बोलते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एव इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये जो है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, डी एक्स लगा होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला है एंड फाइंड द इंटीग्रेट ऑफ अ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एस, फाइंड द इंटीग्रल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, इसका मतलब ये हुआ, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू x, इसका ये मतलब हुआ। इसमें एक कांस्टेंट भी होता है, इसमें एक, जैसे आप पूरा आप फंक्शन निकाल लोगे, जैसे आपको पास डेरिवेटिव दिया किसी फंक्शन का, आपसे पूछा इसका फंक्शन बताइए, यही पूछा जाता है मेनली, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जैसे ही आपने इसका फंक्शन निकाला तो उसमें बाद में एक लास्ट में एक प्लस सी करके कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसमें एनी रियल वैल्यूज लाई करती है प्लस सी में, ठीक है ना। तो इस जो ये जो कांस्टेंट होता है प्लस सी, इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे हम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे और भी बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। बात समझ में आई, एकदम क्लियर है यहाँ तक। इंटीग्रेट का मतलब फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन लिखा जाए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स का, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉन्स्टेंट होता है इसमें प्लस सी, जो कि कंपलसरी है लगाना ही लगाना, क्योंकि इसमें सारी रियल वैल्यूज लाई करती हैं। तो देखिए, अब मैं आपको कितने मजे के साथ, बहुत ही मजे के साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, देन मैं आपको ले चलता हूँ इसके आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज। अगर आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज नहीं आते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैथ पूरा फॉर्मूलेज पर ही डिपेंड होता है। अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे और ऊपर जा पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते तो यहाँ से नीचे ही कर जाएंगे, आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूलेज, कुछ इसमें फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलेज आपको एनसीईआरटी बुक में लिखे मिल जाएंगे, मैं अभी आपको एनसीईआरटी बुक खुलकर दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का फॉर्मूला, एक्स की पावर एन हो डॉट डी एक्स लगाओ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस वन, ये एन है इसमें प्लस वन और एड हो जाता है, पावर में वन एड हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन
इसी से डिवाइड हो जाता है, एन प्लस वन से ही इसमें डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। मैंने अभी बताया था आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगाना ही लगाना है हमें, ये इंपॉर्टेंट होता है, और यही फॉर्मूला मेनली सब में यूज होता है। ये फॉर्मूला तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब में यूज होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इतना कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है कि आपको कुछ सेकेंडों में आ जाएगा, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। x की पावर n का डॉट dx का फॉर्मूला x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx है यानी कि मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ वन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिंपल मुझे पता है कि वन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x। क्या होता है वन का इंटीग्रेशन? वन का इंटीग्रेशन होता है x, और इसमें प्लस सी ऐड हो गया, वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा, cos x का डिफरेंशिएशन करते थे हम, तो वो होता था माइनस sin x, होता था या नहीं होता था? यहाँ पर रिवर्स होता है, यानी उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है? tan x, sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec square x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x। क्या होता है? माइनस cot x, और sec x dot tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x plus c। प्लस सी लगाना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लस सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है, ये लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ जिस पेज पर ये सारे लिखे हैं, आप वहाँ से जाकर सारे फॉर्मूले पढ़िए एक बार, देन उसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं उन फॉर्मूलेज को लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आप सीधे वहाँ से फॉर्मूलेज लर्न करिए और सीधे क्वेश्चंस पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि मज़ा सिर्फ क्वेश्चंस करने में आता है और किसी में नहीं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप मैथ नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ हो पाएगा, तो इन्हें फटाफट से नोट डाउन करिए। देखिए दोस्तों पेज नंबर 290 पर, ये मैथ की एनसीईआरटी की बुक है जिसमें एक साइड में आपके डेरिवेटिव लिखे हैं, एक साइड में आपके इंटीग्रल्स लिखे हैं, एंटी डेरिवेटिव्स इनके जस्ट अपोजिट। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये आपको लर्न करने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिख पाए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, तो ये आपको सारे लर्न करने हैं। आपको दिख रहे हैं एकदम क्लियर? तो ये पेज नंबर 290 पर आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप लर्न कर सकते हो। देन इसके बाद चलते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज पर, तो चलिए इन्हें फटाफट से नोट कीजिए। तेरे जहां से भी, तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास इंटीग्रल्स का एक सेकेंड अब बताता हूँ आपको। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.1। अब मैं इन सभी के आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, वो भी क्वेश्चन ऐसे लगवाऊंगा आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे हलवे लगेंगे, जो मैं बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, देखना आप। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है cos 3x। ये रहा मेरे पास बुक है, मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के मेथड से हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है? एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए मेरे साथ चलिए हम लड़ते हैं अब एक युद्ध जहां पर क्वेश्चन होंगे ऐसे चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। हाँ, तो cos 3x का मुझे एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल्स फाइंड करता है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से। तो इंस्पेक्शन मेथड आ जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक द फंक्शन हूज डेरिवेटिव इज cos 3x, ठीक है। cos 3x किसका डेरिवेटिव होता है हमें पता है। अगर मैं यहाँ पर सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर डेरिवेटिव करूँ sin 3x का, किसका? sin 3x का, sin 3x का किया मैंने, ठीक है। किसका किया मैंने? sin 3x का। अगर मैं sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करूँ, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, अगर मैं sin 3x का डिफरेंशिएशन करूँ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं sin 3x का जैसे डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा? cos 3x, और जो x का कोएफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई हो जाता है डॉट 3। हो जाता है या नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है भैया। तो देखो हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब ये जो 3 है मैं इस जो 3 को इधर ले आता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखिए 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x। तो cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा हमारा वो होगा 1/3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, यही इसका इंटीग्रल होगा अगर आप डायरेक्ट करोगे तो।
और इंस्पेक्शन मेथड होता है कि हमें वो चीज़ पता लगानी होती है जिसका ये डेरिवेटिव होता है। तो किसका डेरिवेटिव था, साइन 3x का डेरिवेटिव था। मैंने इसे डेरिवेटिव साइन 3x को फिर मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो ये मिला, यहाँ से 3 नीचे आ गया, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सेकंड रुकिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, एट्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। एट्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आज थोड़ा मेरे गले में थोड़ी खराश हो गई है इसलिए सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर एट दिखाता हूँ आपको मैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे पहले के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे ना। हाँ अरे भैया एक और जाके इंसान हो आप, सब कुछ कर लोगे। तो देखिए मुझे इसका क्या निकालना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। जब मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो मैं ये होल पर इंटीग्रेशन लगाए, मैं इस सबको ब्रेक कर लेता हूँ, अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, मैं इन सबको अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ। तो देखिए कैसे करता हूँ, यहाँ पर नहीं कर रहा मैं, है ना, इधर से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, इसके लिए अलग, डी एक्स इसके लिए मैंने अलग लगा दिया, बीच में प्लस लग रहा है प्लस लगा लिया, इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डॉट डी एक्स, ये इसके लिए डी एक्स आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डॉट डी एक्स, कर लिया, बिल्कुल कर लिया। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ये बिल्कुल 100% कर सकता हूँ ये तो मैं। अब देखिए जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो तो बाहर आ जाती है, इसमें ए कांस्टेंट है, इसमें बी कांस्टेंट है, इसमें सी कांस्टेंट है, तो मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल ली, जो जो कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट था तो मैंने बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है तो बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, प्लस सी कांस्टेंट है तो मैंने सी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर वन मानते हैं हम, क्या मानते हैं, वन। अब देखिए इधर बहुत ही अच्छे से देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं ऐसे कराता जाऊँगा जैसे कुछ पूछो मत। आज मैं आपको थोड़ा फील नहीं दिला पा रहा, सॉरी, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, लेकिन फिर भी मैं आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सॉरी, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करना, बिना पील के पढ़ के देखो आज कैसा लगेगा। तो देखिए ये है ए, यहाँ पर लिख लिया मैंने ए, लिख लिया या नहीं लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया, ये है एक्स स्क्वायर। मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज पढ़ाए थे, क्या होता था कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करते हैं तो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये हम जो है इसकी पावर में वन प्लस कर देते थे और जितनी पावर प्लस करते थे वही अपॉन में आता था, आता था या नहीं आता था, फॉर्मूलेज मैंने आपको पहले ही लिखा चुका हूँ तो उनको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना, ठीक है। अब मैं इन फॉर्मूलेज की हेल्प से इन सारे सवालों को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब आप ये जो है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स की पावर टू है, इसमें प्लस वन करूंगा तो एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये लो मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर थ्री अपॉन, इसी से फिर हम डिवाइड दे देते थे, दे दिया, बिल्कुल दे दिया, प्लस लगा लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस लग रहा है, बी है, बी कॉन्स्टेंट, मैंने ऐसा कैसे लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स की पावर वन है, प्लस वन और कर देंगे, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर टू अपॉन, इसी से फिर हम डिवाइड कर देते थे, ये हो गया एक्स की पावर टू, कैसे है, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो एक्स की पावर वन, ठीक है, और उसमें बोलता था एन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, इसीलिए वहाँ पर टू आ गया, क्या आ गया, टू। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता था एक्स, क्या होता था, एक्स। एक बार दोबारा से आप फॉर्मूलेज चेक कर लीजिए अगर आपको याद ना हो तो, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है हमारा क्या, पहले मैंने सी लिख लिया जो कि कांस्टेंट है, फिर मैंने लिख लिया एक्स, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या है इसमें, ए एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही है हमारा क्या आंसर, यही है हमारा क्या आंसर, चेक कर लीजिए। ओके फाइन, तो ये थे आपके दो क्वेश्चन, देन इसके बाद मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा है देखिए, मैं इस एक्सरसाइज की अगर आपको सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों, बिल्कुल लगेगा,
और इतने काफ़ी टाइम की कोई वीडियो देखना पसंद भी नहीं करता, नहीं करता ना, आप भी मोस्टली नहीं करोगे। तो दोस्तों मैं क्या है ना, आपको वही उतने ही लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको ज़रूरत है और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनसे आपके सारे सवाल लगते चले जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इतने में सफिशेंटली सारे क्वेश्चंस करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको शायद थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन देखिए अभी बहुत ही सिंपल और ईजी वे में इसे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और क्या होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, और अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना जाना, ये रियल बात है, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर समथिंग एक्सरसाइज में से 7, 8, 4, 5 जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूँ, जितने मुझे लगेंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो सारे लगवा दूंगा मैं। लेकिन फिर भी ना आपको घर पर बैठकर करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, तभी आपका रिजल्ट जो है अच्छा आ पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके वीडियो आपको दूसरे दिन अपलोड कर देंगे। ये हम कह रहे हैं आपसे, यानी मैं कह रहा हूँ जितेंद्र शर्मा, कि मैं पक्का आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट dx, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल। तो देखिए ये भी बहुत ही एक हलवा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कैसे करते हैं, अब थोड़े जोश में आइए ताकि आप भी पढ़ाई करें और हम भी आपको पढ़ा सकें, और बहुत ही मजे के साथ पढ़ा सकें। किसके साथ? मजे के साथ। तो देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो भैया मैं जो रूट एक्स है इसको तीनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ, इस रूट एक्स को मैं तीनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना, अगर दिखाई दे रहा हो तो एक बार लाइक का जो बटन होता है ना, लाइक का मालूम होगा आपको, लाइक का बटन देखा होगा आपने, अगर दिखाई दे रहा हो और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर दबाइएगा, है ना। देखिए हाँ, ये इंटीग्रेशन का जो साइन है ना भैया, आपने बहुत छोटा सा लगा दिया। देखिए इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, अगर अंडर रूट एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। एक्स के ऊपर पावर कितनी है? 1/2। मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ा सा लगा लिया, ठीक है ना। अब देखिए एक्स क्यू ओवर एक्स की पावर 1/2, एक्स क्यू ओवर एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ है, प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 डॉट dx लगा दिया मैंने, ठीक है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया, बिल्कुल। चलो देखो अब मैं इसे जो है ऊपर ले जाता हूँ, एक्स क्यू डॉट मल्टीप्लाई, ये है -2 पावर है इसकी, कितनी है? 1/2। ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? x की पावर -1/2, पता है ना। हाँ क्या पता है आपको? कि x की पावर अगर -1 हो तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1/x, यानी 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम? x की पावर -1। तो ऐसे ही x की पावर 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम? ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 कैसे लिख सकते हैं हम? x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं इन तीनों को ऊपर ले जाता हूँ, 3x डॉट x की पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2। क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है भैया, बिल्कुल। क्या बात कर दिया आपने, ये लो भैया हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। क्या होती है? ऐड हो जाती है। मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, 3 प्लस 1/2, 3 इधर माइनस है तो ऐड करूँगा तो प्लस माइनस माइनस होता है 1/2, 2, 3 या 6 और 6 में से बन गया 5/2, ये कितना आ गया? 5/2। कैसे आया समझ गए? ये प्लस ये, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस आ गया, तो 2, 3 या 6, 6 में से बन गया 5/2, तो एक्स की पावर कितनी आ गई? 5/2। एक्स की पावर आ गई कितनी? 5/2 प्लस इसके पावर कितनी है? 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो पावर कितनी आ गई? 1/2। 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2, यहाँ पर कोई x नहीं है तो इसलिए इसकी पावर यही रहेगी डॉट dx। ये लो भैया आ गया, ये क्या आ गया? dx आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया? dx आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, अब मैं इन सबको सेपरेट कर देता हूँ, यानी पहले मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसका? x की पावर 5x का,
एक्स की पावर 5/2 का डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 एक्स की पावर 1/2 डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स की पावर -1/2 डॉट डी एक्स। एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक सेकंड के मैं इसे रफ कर दूंगा ना। तेरे जहां में से हमने छुपाए हैं, आवारा गम भी तो हमने भुलाए हैं। भैया चलो देखते हैं बारी अब क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन में क्या होता था कि पावर में 1+ ऐड हो जाता था, 1 ऐड हो जाता था। अगर मैं 5/2 में 1 ऐड कर दूं, अगर मैं 5/2 में, इधर समझाता हूँ आपको, अगर मैं 5/2 में 1 ऐड कर दूं, 1 जोड़ दूं, तो 2 1 2, 5 और 2, 7/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/2। तो जो एक्स की पावर 5/2 का अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2। ये समझ में आया कैसे आया? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? इंटीग्रल का सबसे पहला फॉर्मूला यही था कि अगर हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है, और उसी पावर से जो ऐड होता है उसी से नीचे चिपका देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। था या नहीं था? तो सेम मैंने यही किया है, इसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया है, और जो ऐड किया है तो आंसर आया 7/2। 7/2 एक्स की पावर लगा दी और उसी का मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ तक एकदम क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए आगे, एक्स की पावर है 1/2। अब मैं जब 1/2 में 1 और ऐड कर दूं तो ये कितना आया? 2 1 2 और 3/2 कितना हो गया? 3/2। प्लस लगाया मैंने, 3 एक कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर ही आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 की कितनी आ जाएगी? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक्स की पावर -1/2। अब -1/2 में मैं एक और ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा ये? 1/2। तो ये 4 कांस्टेंट है, प्लस लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहता ही है, उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करते हम। अब एक्स की पावर -1/2 का कितना आ जाएगा? 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, एकदम क्लियर। देखिए अब ये है 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 यही रहेगा। एक्स की पावर 7/2 2/7। ठीक है, एकदम समझ में आया? ये 2 जो है यहाँ पर चला गया, और ये 7 है वो यहीं की यहीं रहा। ये जो 7 है वो तो यहीं की यहीं रहा। ये लो आपकी, अच्छे से समझ में तब भी आएगा। ये 2 जो है ऊपर चला गया, 7 यहीं का यहीं रहा। प्लस अब ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहीं का यहीं रहेगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। प्लस 4, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 2 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, एकदम क्लियर। 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 2 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये हो गया इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी क्या होता है? सी लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था इसका आंसर। इसमें भी कुछ नहीं है, बस आपको सिंपल सा सॉल्व करते चले जाना है और सिंपल हो जाएगा। इसमें भी कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, इसे फटाफट से नोट कीजिए, देन मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको sec square x अपॉन cosec square x डॉट डी एक्स का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है ना, sec square x अपॉन cosec square x डॉट डी एक्स का हमें जो है इंटीग्रल फाइंड करना है। तो अब बताता हूँ मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, क्योंकि आप भी ये कहोगे कि पता नहीं भैया कौन कौन से क्वेश्चन करा रहे हो। तो देखिए, मैं जो है मोस्टली इस वीडियो में जो है सिर्फ इतना ही करा पाऊंगा कि 7.1 और 7.2 खत्म करा दूँ मैं आपके, 7.1 और 7.2, हाँ 7.1 और 7.2 मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। मतलब पूरी एक्सरसाइज नहीं, मेन मेन क्वेश्चन जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो इसमें बस मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, 19 का 20 है जो कि एस आई एस है वो भी हो जाएगा आपसे, 21 है और 22 है जो कि सिंपल है, दोनों सिंपल है। अब देखिए 7.2 में सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊँगा आपको, देन मैं आपको जिसमें जो मुझे टफ लगेंगे वो बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बता दूंगा आपको, फोर्थ पूछोगे तो फोर्थ भी बता दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताता हूँ आपको। ठीक है ना, फोर्थ रहने को, फोर्थ तो हो ही जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बता दूंगा, एक
क्वेश्चन नंबर 17, ये 7.2 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 17 के बाद मैं आपको 20 या फिर 19 में से कोई एक बता दूंगा, ये भी थोड़ा नहीं आता बच्चों को। फिर मैं आपको 34 क्वेश्चन, आपको 100% नहीं आएगा 34 क्वेश्चन, तो आपको अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो 100% नहीं आएगा, तो इसे भी मैं बता दूंगा, इतने क्वेश्चन बताऊंगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। sec square x अपॉन को sec square x, sec x क्या होता था? sec x होता था 1 अपॉन cos x, क्या होता था? 1 अपॉन cos x, यहाँ पर है sec square x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos square x, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos square x। मैं इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos square x, 1 अपॉन cos square x अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता था? कोसेक होता था 1 अपॉन साइन, तो कोसेक स्क्वायर लगाया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिख लिया मैंने? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। एकदम क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए फटाफट से, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, कर दिया, इंटीग्रेशन करना है, ये सबसे ऊपर पहुंच गया साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। क्लियर है? कैसे आया? इसका मल्टीप्लाई इसमें किया वन का, इसका सबसे ऊपर किया, तो ये सबसे ऊपर पहुंच गया। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को कैसे क्या लिख सकता हूँ? अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को इन दोनों के नीचे ब्रेक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? ब्रेक कर देता हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन करना है मुझे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाडले? आ गया ना तुझे? तो देखो फटाफट से, मैंने यहाँ पर जो है ब्रेक कर लिया, अब मैंने यहाँ पर ब्रेक कर लिया, तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? कैंसिल आउट हो गया, का है का करेगा? मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को काट दिया, बिल्कुल काट दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा भैया। तो अब देखिए मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, अब इन दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, इसके नीचे मैंने अलग इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर कितना बचा? 1 डॉट डी एक्स, ठीक है। देखिए ये कितना है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताइए मुझे फटाफट से? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका क्या? sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? sec होता है, एकदम क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है? x, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है? 1 का मतलब डी एक्स ही है समथिंग, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए प्लस सी भी आ जाएगा यहाँ पर, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बता सकते हो मुझे आप? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कितना होता है भैया, कितना होता है बताओ? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, क्या होता है? 10x। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो 10x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने 10x माइनस, एक सेकेंड, 10x माइनस x प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल सा लज्जू मज्जू से क्वेश्चन है जो आपसे नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम बताएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो फटाफट से इसे भी नोट कीजिए, देन हम चलते हैं 7.2 एक्सरसाइज में, नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7.2 एक्सरसाइज, जो कि सब्सटीट्यूशन मेथड पर, इंटीग्रेशन वाइज सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन से हम अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन्हें देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है, मैं इधर लिख देता हूँ ना इसके फॉर्मूलेज, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट डी एक्स, 10x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा log sec x, log sec x मोड में प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डॉट डी एक्स क्या होगा? log sec x प्लस सी, ठीक है, क्लियर। देखिए अब सेकेंड फॉर्मूला देखिए इसका, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cot x का इंटीग्रेशन, इन्हें फॉर्मूलेज को आप साथ के साथ नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, इनके बिना आपको ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, इसका होता है log sin x प्लस सी, क्या होता है? log
साइन एक्स प्लस सी, क्या होता है इसका लॉग साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही सेक एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, किसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताऊं मैं आपको तो ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये एक्स है मेरी एक्स है एन की तरह बनती है, थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो यार तुम बड़े बच्चे हुए हो, प्लस सी। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर फोर्थ भैया तेरे जान से, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट जी एक्स इज इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर है। तो ये तीन चार फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए, इनके बिना ये सब्सटीट्यूशन वाली जो आपकी एक्सरसाइज है वो नहीं होगी। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कि आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ही बहुत ईजी सा है। कैसा है? बहुत ही बहुत ईजी सा है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सबसे पहले में जो है ये है साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है इसमें टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? टू से डिवाइड कर देता हूँ और टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन टू अपॉन टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, ये लीजिए मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया। एक सेकंड रुकना मुझे ये देखना, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, हाँ सही है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, देखिए अब टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी होता है साइन टू ए, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से जो है ये जो पूरी टर्म्स है ये इतनी टू साइन ए कॉस बी, तो ये तो बन जाएगी हमारी क्या साइन टू ए, क्या बन जाएगी हमारी साइन टू ए। और ये जो टू है इसे मैं अभी बाहर निकालूंगा, देखना ये इसे मैंने बना दिया साइन टू ए, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन टू, ये कितना है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स, कितना है ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स अपॉन टू। मैं इस टू को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, वन बाई टू बाहर ले लिया मैंने, साइन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसका क्या कर देता हूँ इंटीग्रेट, देखिए कैसे इंटीग्रेट करता हूँ। ये हमारा वन बाई टू, ठीक है ना, ये है हमारा क्या वन बाई टू। आप थोड़ा ऐसे समझिए, सबसे पहले मैं इसे एक सेकेंड, हाँ इंटीग्रेशन लगाया मैंने साइन, अब मैं इस टू का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू ए एक्स प्लस टू बी डॉट डी एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा। अब मैंने साइन एक्स का ये पूरी टर्म मैंने क्या मान ली एक्स मान ली, क्या मान ली एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, क्या आएगा माइनस कॉस एक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस कॉस एक्स, एक्स कितना है एक्स है मेरा टू ए एक्स प्लस टू बी, यही तो माना था मैंने पूरा, मतलब इसे पूरे को मैं एक्स कंसिडर करके चला था, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। अब एक्स का अगर कोई कोएफिशिएंट होता है तो हम उसका डिवाइड भी दे देते हैं, क्या देते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो है सिर्फ टू ए, कितना है कोएफिशिएंट इसका टू ए, तो मैं यहाँ पर पूरे में टू ए से डिवाइड दे देता हूँ, देना होता है ये डिवाइड। बात समझ में आई क्यों दिया मैंने डिवाइड, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कॉस थ्री एक्स है, क्या था सबसे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको कॉस थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या था साइन साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर आ गया साइन थ्री एक्स। अब ये एक्स थ्री जो है एक्स का कोएफिशिएंट है इसलिए मैंने इसमें डिवाइड दिया था, दिया था या नहीं दिया था, दिया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टू ए से डिवाइड दे दिया क्योंकि ये भी इसका क्या है कोएफिशिएंट है। अब देखिए इसके बाद मैं जो है इस टू ए को बाहर लेके आता हूँ, इस टू ए को मैं बाहर लेके आता हूँ, यहाँ पर देखिए आप वन बाई टू मल्टीप्लाई टू ए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर ए, टू टू जा फोर ए का ए रहेगा, ठीक है हाँ। अब ब्रैकेट में देखिए, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा माइनस कॉस
माइनस कॉस। मैं इन दोनों में से टू को कॉमन निकाल लेता हूँ, इन दोनों में से मैंने टू को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ए एक्स प्लस बी, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब इसे और मैं फर्दर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर ए, माइनस बाहर निकालिए माइनस इधर लग गया, ये हो जाएगा कॉस टू ए एक्स प्लस बी, यही आपका आंसर है। अगर यकीन ना हो आंसर शीट में जाकर चेक कर सकते हो, दिस इज द आंसर। क्लियर है एकदम, क्या था इस क्वेश्चन में, हल हुआ था ये भी क्वेश्चन, फटाफट से नोट करना इस क्वेश्चन को। ये एक सेकंड रुकिए, ये जो है ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक ना, इससे कन्फ्यूजन मत होना। हाँ फटाफट से नोट करो इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से नोट करो। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भैया थोड़ी सर्दी सी लग रही है इसलिए पेन लिया है मैंने, ठीक है ना, ये मत समझना, चांद टकली है इसलिए पेन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में किसे मैं सब्सटीट्यूट करूं, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में मैं किसे सब्सटीट्यूट करूं, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में मैं किसे सब्सटीट्यूट करूं। तो देखिए जो है मैं log x को ही t मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, log x को मैं t मान लेता हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया log, let एक सेकेंड, चिच्ची रे बाबा कितना बुरा हाल है, let let किया मैंने log x इज इक्वल टू, ठीक, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो log x का हो जाएगा क्या 1 अपॉन x dt का, वो सॉरी t का dt ओवर dx, क्या हो गया dt ओवर dx, dx का इधर मल्टीप्लाई यानी 1 अपॉन x डॉट dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखिए 1 अपॉन x ये और dx ये दोनों चीज़ मिलके क्या बनेंगे dt, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसे, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या निकल गया 1 अपॉन x डॉट dx। अब log x को माना था मैंने t अपॉन t की पावर m, अपॉन t की पावर m, अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, t की पावर m को ऊपर ले जाता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt डॉट t की पावर माइनस m, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, देखिए फटाफट से t की पावर माइनस m, t की पावर माइनस m का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा, t की पावर माइनस m का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो मैं कर देता हूँ, तो देखिए कैसे करता हूँ, t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस एम प्लस वन, इंटीग्रेशन में यही तो होता था कि एक ऐड कर दो उसी से नीचे डिवाइड दे दो, प्लस सी आ जाता था जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था, ठीक है, वो लगाना बहुत ही कंपलसरी होता था, यानी लगाना ही लगाना है ये तो। अब मुझे ये है इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, देखिए कैसे लिखता हूँ, टी की पावर वन माइनस एम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर वन माइनस एम लिख सकता हूँ, प्लस सी लिख सकता हूँ। अब मैं टी की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, टी मैंने क्या बना था लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स की पावर वन प्लस एम, सॉरी वन माइनस एम, लॉग एक्स की पावर वन माइनस एम, क्या मान लिया मैंने वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम प्लस सी, यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है आंसर। बहुत ही हलवा हलवा से क्वेश्चन है जो कि आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर कर लोगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था, फटाफट से नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कौन से की, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर। अब देखिए अब मैं इसमें लेट करता हूँ क्या, मैंने इसमें लेट किया x स्क्वायर इज इक्वल टू t, क्या लेट किया x स्क्वायर इज इक्वल टू t, मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट, आपको हमेशा लेट करके डिफ्रेंशिएट करना ही करना है। और याद रखिए आप जिसे लेट कर रहे हो उसे ऐसा लेट कीजिए कि ऊपर वाली टर्म आपको मिल जाए, उसमें से कुछ टर्म आपको मिल जाए। तो मैंने x स्क्वायर लेट किया, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है, डी एक्स को मैंने इधर भेज दिया यानी कि 2x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इस 2 को मैं इधर ले आया यानी कि x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू, क्या गया डी टी बाई टू, तो x डॉट डी एक्स मैं क्या लिख देता हूँ डी टी बाई टू, क्या लिख सकता हूँ डी टी बाई टू। तो देखिए अब इंटीग्रेशन करना है मुझे डी टी बाई टू मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना था टी, तो मैंने ई की पावर टी मान लिया, एक सेकेंड, ये है ई की पावर टी, ठीक है ना। अब मैं जो है इस टू को, ये कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले आता हूँ, मैंने ले लिया ये बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर ई की पावर टी, डी टी ओवर ई की पावर
ठीक है ना। अब मैं जो है e की पावर t को क्या करता हूँ, e की पावर t को ऊपर ले जाता हूँ, e की पावर t को मैं ऊपर ले गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी डॉट डी टी, माइनस टी होगा या नहीं होगा। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, सिंपल इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो देखिए 1/2 e की पावर t को इंटीग्रेट, e की पावर t का e की पावर t ही हो जाएगा, e की पावर माइनस टी, और जो t की सॉरी e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन अगर e की पावर 2x या फिर उसका कोई एक कोफिशियंट हो उससे हम नीचे डिवाइड भी देते हैं। तो इसका कोफिशियंट क्या है, -1, माइनस है ना, तो इससे हम -1 से इधर नीचे डिवाइड भी दे देंगे, दे दिए ठीक है। प्लस c आ गया, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये है 1/2, ये लिख लिया मैंने 1/2, माइनस वन का कोई मतलब नहीं होता, माइनस इधर लग जाएगा, माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी, ठीक है। और इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये थोड़ा कुछ ऐसे लिख जाएगा, -1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी, यही इसका क्या है आंसर, ये इसका क्या है आंसर, ठीक है एकदम ठीक है। हाँ अगर मैं इसमें सॉरी हाँ अगर मैं इसमें मैं टी की वैल्यू पुट करूँ तो टी की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्योंकि आपका जो आंसर है वो टी की वैल्यू पुट करके ही आएगा। टी की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ कॉमा लगा के, दूसरा आंसर टी की पावर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, -1/2 e की पावर माइनस टी है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -x² + c, ठीक है ना। ये आपको पता है कैसे दिया होगा, ये आपको जो आंसर में कुछ ऐसे दिया होगा, -1/2 e की पावर, ये -x² है तो ये माइनस से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या मालूम है, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1/e की पावर x² + c, आपका आंसर ऐसे दिया होगा समथिंग, है ना। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, अब यहाँ तक कहीं तक छोड़ सकते हो, ठीक है। आंसर 3 हम लेकर आ गए आपके पास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन पर ही इस एक्सरसाइज को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34 को, ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो इतना सिंपल नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही इसे कर लो। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले जो है हमें इस क्वेश्चन में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड देना होगा, क्या करना होगा, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड देना होगा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन sin x dot cos x, अब यहाँ पर मैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई दे दिया और डिवाइड भी दे दिया एक कॉस एक्स से, कोई फर्क पड़ा कुछ नहीं, cos x कट जाएगा, बात तो वही है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दे दिया और डिवाइड भी दे दिया, .dx लगा लिया मैंने, ठीक है सिंपल, समझ में आ गया। देखिए अब आप ये cos x मल्टीप्लाई cos x क्या हो गया, cos²x √10x .dx अपॉन sin x .cos²x अपॉन cos x, एकदम क्लियर, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आगे भी है, बिल्कुल आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। देखिए √10x.dx इसे मैंने ऐसे ही कैसे लिख लिया, √10x.dx, ठीक है, 1/cos²x, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना, /cos²x क्या हो जाएगा, 1/cos²x, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec²x, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया sec²x से। अगर मैं sec²x को ब्रेक करूँ तो ये होता है क्या, sec²x = 1/cos²x, तो मुझे ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, 1/cos²x लिखूंगा तो ये मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसे sec²x लिख लिया, ठीक है। अपॉन sin x अपॉन cos x, क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखिए अब आप नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ √10x.dx.sec²x अपॉन sin x अपॉन cos x, क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x, इस वाले 10x से ये वाला जो 10x कितने टाइम करतेगा, रूट टाइम, तो यहाँ पर कितना बचेगा √10x, यानी कि अगर मैं इस 10x को लिखूँ तो ये ऐसे लिख जा सकता है ना, 10x को मैं लिखूँ तो 10x मल्टीप्लाई √10x मल्टीप्लाई √10x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इस वाले से ये वाला √10x कैंसिल आउट, ये वाला √10x बचेगा या नहीं बचेगा,
बिल्कुल बचेगा, देखिए अब आप नेक्स्ट इसे मैं रफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि अब तो आपको याद हो ही गए होंगे ये फॉर्मूलेस, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को, कितना मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में करने में। तेरे जमाने में आए हैं हम भी तो मुसाफिर बन करके, देखे हैं रब भी तो। देखिए अब आप नेक्स्ट, इधर बचा sec square x dot dx upon √ 10x, क्या बचा हमारे पास, बचा sec square x dot dx upon √ 10x, 10x बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। अब करते हैं हम let, अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं यहाँ पर let, तो देखिए क्या let करते हैं। अब मैंने let किया, let 10x is equal to t, क्या किया 10x is equal to t, differentiate with respect to x, x के respect में मैंने इसे differentiate कर दिया, क्या कर दिया differentiate, तो 10x का differentiation sec square x is equal to dt over dx, dx इधर जाएगा तो sec square x dot dx is equal to dt, क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो sec square x dot dx ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो देखिए अब आप इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह लिख दिया मैंने dt, dt अपॉन इसको मैंने माना था क्या t, तो ये हो जाएगा रूट टी। अब बस मुझे इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t की पावर 1/2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 डॉट dt, इसे मैं ऊपर ले आया तो ठीक है, t की पावर -1/2 का करेंगे तो कितना आएगा, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, प्लस 1 हो जाती है प्लस c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लग गया। ये कैसे आया, यानी इसकी पावर में हम 1 ऐड करते हैं और उसी से फिर हम डिवाइड देते हैं, तो ये मैंने आपको जब से चिल्ला चिल्ला के बोलता चला आ रहा हूँ, मेरा गला भी बैठ गया, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। तो देखिए अब आप इसको जब मैंने ये किया, अगर हमने इसे सॉल्व करूँ तो 1 - 1/2 हो जाता है हमारा, कितना 1/2, कितना होता है 1/2, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2t की पावर 1/2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर t की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने 10x, तो यहाँ आ जाएगा 2 10x की पावर 1/2 प्लस c, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2√10x प्लस c, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया क्या इसका आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, बस यहाँ से ये थोड़ा सा ये वाला स्टेप आपको याद रखना है, देन आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम, यानी कि मैं आज इस जो चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, उस लेक्चर को, इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आपके साथ बहुत जल्दी दूसरा कोई नया सा अच्छा सा टॉपिक लेकर, या तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा अगर इसे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, या तो इसमें आपके हर्ष भी आ सकते हैं अगर मैंने इसे कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक बात और याद रखना कि, वैसे मैं नहीं बोलता लेकिन फिर भी आज बोल देता हूँ, कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि ऐसा होता है जब तक आप सपोर्ट नहीं बनाओगे तब तक हमारी भी उम्मीदें थोड़ी डाउन होती जाती हैं। सो प्लीज़ बनाए रखना, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।